गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है आटा मेसूरी मेसारी, दिस इज आटा मेसारी उबुद एंड दिस इज अ फाइनल डे। वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज काइंड ऑफ अ थिंग टुडे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। वी हैव फोर प्लेसेस टू गो, इट्स द हेवन गेट काइंड ऑफ थिंग, वी हैव अ वाटरफॉल एंड टू मोर प्लेसेस टुडे एंड देन टुमारो 11:35 इंडोनेशियन टाइम वी हैव आर फ्लाइट टू मलेशिया एंड देन मलेशिया टू दिल्ली अनदर कनेक्टिंग फ्लाइट। तो यार अभी बस रेडी हो रहे हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन द टाइम इज 4:40 बिकॉज यू सेड आप अर्ली निकल जाओ वरना वहाँ गेट पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है एंड जाम के साथ टिकट टाइमिंग का भी बहुत इशू रहता है। सो अभी हम बस निकल ही रहे हैं यहाँ से एंड देन डायरेक्टली आपको मिलते हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। शटल से हम जा रहे हैं लेमपुंग यंग टेंपल एंड ये हमारा टिकट काउंटर। तो नीचे से हमें पड़े 45,000 इंडोनेशियन रुपीस। अब यहाँ का टिकट अभी देखते हैं, पूछते हैं कितने का है। ओके बोल रहे हैं भाई 7 बज रहे हैं, 5 बजे निकले थे, अभी बोल रहे हैं 104वां नंबर है आपका फोटो पे। इसका है 55,000 इंडोनेशियन रुपीस, 104th नंबर फॉर यू टू टेक फोटो। तो भाई इतना ऊपर चढ़ना है, अभी स्कूटर भी है, पैदल ही चल देते हैं। नो थैंक यू। This is the temple and this is the gate. Uncle is trying something new. And these are the other gates. So we have our number 104. Let's see how long we have to wait for the photos. Everybody is waiting out here. Sabhi wait kar rahe hain. Main piche hai. गेट डिस्प्ले फोटो खिंचाने के लिए आ रखे सब। मोस्टली यहाँ पे टेम्पल सब ऐसे हैं, नेम है टेम्पल बट यू हार्डली सी एनी डीटीज इनसाइड एंड इट्स ऑल एम्प्टी। लाइक यू जस्ट कम हियर, यू प्रे, बट दिस इज ऑब्वियसली अ पिकनिक, इट्स ऑब्वियसली अ स्पॉट नाउ, फोटोग्राफी स्पॉट। एंड दिस behind me you see that is generally the opening gate in every house or every temple, aur ye mereko har jagah hi dikhe the aise gate, simply larger or smaller, jaise yahan ki entry pe bhi you see that it's similar to that only. to yahan pe sare aise hain and ye inka style hai to show the opening of a particular place.
ओ यार, अब यहाँ से कर रहे हैं हम एग्ज़िट। फ़ोटो खिंचा ली, 2 घंटे का वेट करना पड़ा फ़ोटो के लिए, बट अच्छी फ़ोटो खिंचा रखी है। टैग मतलब मैं आगे वीडियो के बाद में डालता हूँ। और अब नीचे आके पूछते हैं ड्राइवर से कहाँ लेके जाएगा। सो रैदर देन 4 स्टॉप्स, जैसे मैंने बताया था, वी आर टेकिंग 3 बिकॉज राइस टेरेस हम कल ही जा चुके हैं। वहाँ पर स्विमिंग में भी हमने कल ही फ़ोटो वोटो और वीडियो खींच ली थी। तो रादर देन गोइंग देयर, वी आर स्किपिंग दैट एंड विल डायरेक्टली गो टू द वाटरफॉल, और उसके बाद वापस बाली की तरफ, एंड बाद में उबुद आके अपना पैकिंग करके कल के लिए रेडी। तो ये है यार यहाँ से व्यू, पहाड़ सामने पहाड़ है, वहाँ हम पीछे थे फोटो खिंचा रहे और घूम के हम यहाँ से आ गए। तो चलो यार, अब सीधे मिलते हैं पार्किंग लॉट पर, जहाँ से हम ड्राइवर से पूछ के बताएंगे कि हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। वैसी होगा जैसे बाकी कहीं पर। तो भी आर गोइंग तीर्था गंगा, और क्या है वो चीज़ आगे देख भी लेते हैं। जो मैंने फ़ोटोज़ देखी है, उस पर ऐसा लगता है पत्थर है, उस पर पानी है, उस पर फ़ोटो खिंचाने होती है। तो ये फ़ोटो खिंचाने वाला ही एक स्पॉट है, मोस्ट लाइक तीर्था गंगा। तो चलिए अंदर आके देखते हैं। ओह माय गॉड, पाइथन प्लानिंग। एक गार्डन बना दिया, उसकी एंट्री फीस ले ली, उसर अच्छा सा खाने का दे दिया, और इंडियन फूड, ऑब्वियसली इंडियंस बहुत आते हैं इधर, तो इंडियन फूड का भी है बहुत बाहर। तो एक अच्छी, देखो कितनी बढ़िया प्लानिंग है। तो डेवलपमेंट इसी हिसाब से हुई है कि इसको भी एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे ना, बहुत प्यारा बना रखा है, पानी के ऊपर है। और बेसिकली अभी जैसे सबको फ़ोटो वोटो ही की लगी रहती है कि फ़ोटो चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए। तो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट में अभी आजकल यहाँ पे पोजीशन बना दी, जो हम पहले भी गए थे वहाँ पे, मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, तो वो फ़ोटो के लिए ही जगह होंगी थी, नॉट एज अ टेंपल बट एज अ फ़ोटो स्पॉट। और अभी वैसी इधर पे भी है, मैं भी आपको कुछ शॉर्ट्स में दिखाता हूँ कैसा है इधर पर।
अट्रैक्शन है यार वही है, वहाँ पे स्टोन्स हैं और लोग स्टोन्स के ऊपर खड़े होकर फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो मेन अट्रैक्शन वो है। बाकी पीछे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, उधर भी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे एक प्राइवेट, उस साइड पे एक प्राइवेट पूल है। बाकी इधर ये है, बाकी इधर रेस्टोरेंट है, उधर आइसक्रीम है, रेस्टोरेंट है, मतलब पूरा इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे कि एक इंस्टा फ़ोटो के लिए अट्रैक्शन है, और अच्छा इंस्टा फ़ोटो और इंस्टा वीडियो के लिए हमने भी लिया। चलो देखते हैं वो चलती नहीं चलती। और तीसरा तमन तीर्था गंगा, तीर्था गंगा से निकल गए हैं, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉप एक वाटरफॉल है छोटा सा, वो भी इंस्टा वाटरफॉल टाइप है, तो अब उधर चलते हैं। आगे हमारी टैक्सी रेडी है, बस चलते हैं डायरेक्ट स्पॉट में। अभी हम जा रहे हैं सीपुंग वाटरफॉल, जो करीब करीब यहाँ से एक डेढ़ घंटा दूर है। हम आराम से फिर से नींद पूरी करेंगे अपने, तो चलो मिलते हैं सीपुंग वाटरफॉल पे। सीपुंग वाटरफॉल, सो वेलकम टू तुकाद सीपुंग। $20,000 पर पर्सन इंडोनेशियन रुपये। और यहाँ पे भी ऑफरिंग, हर जगह जहाँ भी काम वाम है किसी का, वहाँ पे उन्होंने ऑफरिंग दे रखी है। ये बड़ा मस्त चीज़ है यहाँ पे, हर जगह पे चौराहे पे ऑफरिंग है, क्लास। लोकेशन बहुत बढ़िया है यार, पेड़ों पेड़ों के बीच से। इधर है हम अभी, साथ में एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, लेकिन वाटरफॉल नहीं पहुँचे, बहुत ऊपर से नीचे आना पड़ा यार। वो जो दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, उधर से नीचे आए हैं हम, और चल रहे हैं आगे वाटरफॉल की तरफ। इंडोनेशिया का गुच्छू पानी देखो, बिल्कुल वैसी है। यहाँ से सब आ रहे हैं गुच्छू पानी स्टाइल, बट गर्म ठंडा नहीं है इधर, तो चिल। यहाँ से रास्ता देख लो यार, ऊपर से बहुत काफ करके पानी, कितने सालों से करते करते ये रास्ता बनाया है, तो आप सोच सकते हो पहले कितना ज़्यादा हो जाएगा। हम चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, शूज़ पकड़ लिए हैं, बिल्कुल भी इक्विप नहीं है, चल लेते हैं आगे हैं तो पकड़ लोगे। चलते हैं आगे धीरे धीरे, स्लो, ज़्यादा नहीं है वो, ठीक है। पत्थर थोड़े टाइट टाइट है, और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ऊपर से पानी भी गिरता है, आवाज़ तो आपको आई गई होगी पानी की, मेन जो पॉइंट है वो आने वाला है वाटरफॉल का, वो रहा। पानी का फ्लो आ रहा है, आधी ड्रॉपलेट तो हवा से इधर उधर हो जा रही है।
भाई पूरा रिफ्रेश हो गया यार, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा होंगे, उससे भी कम के टाइम से ठंडा पानी बहुत प्रेशर से। बट मैंने एक गलती कर दी, ऊपर चप्पल ले लेनी चाहिए थी क्योंकि पत्थर बहुत पहने थे। बट अब यहाँ से तो होगा फिनिश, अब हम जाएंगे बाली अगर हमारा ड्राइवर मान जाता है तो। वैसे तो अभी काफ़ी सही टाइम है, 1:36 हमने टाइम से पहले सब ख़त्म कर दिया क्योंकि आज राइस टेरेस भी था, लेकिन राइस टेरेस हम कल ही दिखा दिया था मैंने जहाँ स्विंग भी किया था तो उधर गए थे। अभी हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाने तक के लिए भी एक छोटी सी 5 मिनट की हाइक समझ लो। बट यहाँ बहुत स्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल उतार के सीधे नीचे ही डाल देते हैं भाई, और बिल्कुल यहाँ जो आवाज़ आ रही है ना इधर पे है, इधर से भी दिख जाएगा ऊपर साइड से। ये साइड से यहाँ का पुराना रास्ता था, तो बंद कर दिया गया पूरा। तो ये भी है, यहाँ से बनता है यार उधर ना नीचे तक के लिए, और बहुत तगड़ा प्रेशर है। जो एंट्रेंस है ना पूरा गुच्छू पानी जैसा है, छोटी छोटी गुफा, और गर्म ठंडा जो मना कर रहा था वो भी होता है कुछ कुछ पार्ट पर, तो वो नेचुरल चीज़ है शायद से। तो चलिए ऊपर टैक्सी वाले के पास पहुँचते हैं, फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है, बाली जाएंगे या वापस अपने रिजॉर्ट जाते हैं। चलिए मिलते हैं अभी थोड़े से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अब हम निकल रहे हैं यार एयरपोर्ट के लिए। तो ये एक व्यू था जो आई गेस मैंने पहले दिन दिखाया था, हम यूज़ ही नहीं कर पाए यार, बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया था। तो वी शेयर द बालकनी विद दिस एरिया, और टेरेस फार्मिंग है नीचे, नहीं शायद से चावल की खेती है, और सेपरेटली हमारा एक दूसरों के साथ एक कमरा भी। तो ये पूरा एरिया पीछे का